पब्लिक मीटिंग थी और हर आदमी एकदम अलाइव और गुस्से में था। जनसमर्थन बहुत है इनको, अभी देखेगा, अब इनको अगर नहीं बैठने देंगे तो मुझे लगता है ये राजस्थान में कैंपेन करने कूदेंगी और आप देखिएगा किस तरह की पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने आए हैं जिनका लगभग 4.5 दशकों का लंबा सियासी सफ़र रहा और सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा से समाज कारणों के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखा, ना कि राजकारणों के मुद्दों को। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब। मलिक साहब, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार मलिक साहब, एक तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपकी निजी ज़िंदगी से। संवैधानिक पदों से अभी मुक्त है लेकिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, सरकारी कामों से सेवानिवृत्त होके अभी मतलब ज़िंदगी आराम की चल रही है कि आगे नए लक्ष्य हैं? नहीं नहीं, ज़िंदगी तो आराम की चल रही है लेकिन मैं एक्टिव बहुत हूँ। मैं महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ और कठिनाइयाँ बहुत हैं। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है, मुझे मकान नहीं दिया, मैं किराए के मकान में रहता हूँ तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं खूब घूम रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, दिन में भी लोग आते जाते रहते हैं और महीने में 10 अच्छी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स करता हूँ। मलिक साहब, आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, मेघालय, गोवा, बिहार, सब जगह आपने राज्यपाल के संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया। आज के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जानना चाहें, जब चारों तरफ शोर है कि अमृत कालखंड चल रहा है, तो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद अब कितना शक्तिशाली या कितना उपयोगी रह गया है? बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, उपयोगी नहीं है। वो डिपेंड करता है, अगर गवर्नर तय कर ले कि मुझे बोलना है और ज़रूरत होगी तो मैं छोड़ दूंगा पद को, तब वो शक्तिशाली है, और नहीं तो वो सिर्फ आराम करने का है, यही राष्ट्रपति का है। लेकिन अभी जैसे बातचीत, कल देश ने नया संसद देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, देश के नाम समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, उद्घाटन समारोह के वक्तव्य में ये कहा कि नई संसद नए भारत की आकांक्षाओं, उम्मीदों, अवधारणाओं को पूरा करेगी। इस वक्तव्य को आपके क्या निजी विचार है कि इस वक्तव्य में आकांक्षाएं नई संसद के भरोसे पूरी हो पाएंगी? देखिए, कोई संसद आकांक्षाएं पूरी नहीं करती। आकांक्षाएं जो संसद में बैठते हैं उनका व्यवहार और आचरण करता है। मोदी जी का आचरण अगर ऐसा होगा कि नई आकांक्षाओं हुआ तो ये कि जब वो उद्घाटन कर रहे थे तभी बाहर 1 किलोमीटर दूर हमारी लड़कियां जो मेडल गोल्ड मेडलिस्ट और पद्मश्री हैं वो पुलिस के हाथों घसीटी जा रही थी। तो डिपेंड करेगा जो उसमें बैठेंगे उनका आचरण कैसा है। इस संसद में अब परिसीमन के बाद नए सदस्य आएंगे, राज्यसभा में भी आएंगे, लोकसभा में भी आएंगे, लेकिन मौजूदा संसदीय व्यवस्था पर अगर हम बात करें, अमृत कालखंड चल रहा है, 25 साल बाद हम 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर लेंगे। अभी लगभग 30-45% राजनेता जो संसद के भीतर हैं वो किसी न किसी आपराधिक आचरण में संलिप्त हैं। तो जिस तरीके से आपराधिकरण ने देश की राजनीति को घेरा है, इसको कैसे दूर करना चाहिए इस अमृत काल में, ये एक संदेश। इसको सख्ती के साथ करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना चाहिए हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अभी आप ब्रजभूषण शरण सिंह का केस देखिए, सब कुछ जानते हुए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और पहलवानों के खिलाफ मुकदमे दायर हो गए। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये भी बात है कि पार्टी की कही जा रही है कि मजबूरी है, आप लंबे समय तक पार्टी से जुड़े रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, तो वाकई सर जनता भी एक बात सोच रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा एक व्यक्ति जो सार्वजनिक मंच से एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को, विनेश फोगाट को कहता है कि वो मंथरा है, तो अगर हम त्रेता युग की बात करें तो अगर वो उनको मंथरा के आचरण में ढाल रहे तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम कह रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक मंच भी एक तरीके से राजनीति ही उपलब्ध करा। देखिए, मैं
ब्रजभूषण पे कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो उचित नहीं है मेरा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस मामले में सरकार को जितनी जल्दी निपटा दें चीज़ों को उतना अच्छा रहेगा। कल देश के लोकतांत्रिक अध्याय में, इतिहास में दो पन्ने जुड़े सर, एक नई संसद और एक किलोमीटर बाद, जैसा आपने कहा कि जंतर मंतर पे भी एक विचलित करने वाली तस्वीरें देश ने देखी। अब लोगों का एक आरोप है, एक पक्ष का है कि यौन शोषण हुआ, दूसरे पक्ष का एक अपना आरोप है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है इसको जन समर्थन व्यापक रूप से नहीं मिल पा रहा, संगठन आंदोलन होता जा रहा है कि एक संगठन, जैसे किसान संगठन आ गए, कभी कोई संगठन आ गया, लेकिन जन समर्थन की कमी की वजह से समर्थन इतना ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं, मेरे फ़ोन में है, मैं दिखा दूंगा अभी। हम पर 4 दिन पहले, मैं, विनेश और वो लड़का जो है उनके साथ, बजरंग पूनिया, हम लोग गए थे, खटखट पोल है, टोल है जींद में, 50,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग थी और हर आदमी एकदम अलाइव और गुस्से में था। जन समर्थन बहुत है इनको, अभी देखेगा, अब इनको अगर नहीं बैठने देंगे तो मुझे लगता है ये राजस्थान में कैंपेन करने कूदेंगी और आप देखेगा किस तरह की पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। सर, कल देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम अगर संसद की बात करें, संसद की स्थापना की या संरचना की, तो अनुच्छेद 79-89 ये कहता है कि संसद के तीन प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा एक परमानेंट है, राष्ट्रपति, लोकसभा एक टेम्प्ररी सेक्शन है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन ना करवाना, इस बात को आप लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में और लोकतांत्रिक स्वरूप में किस और इशारा कर रहा है कि आगे बहुत गलत है ये। सिर्फ अपनी एक, जिसको कहिए ना, आदमी को अपने से मोहब्बत हो जाती है। पुलिया का भी उद्घाटन मैं करूँगा, अगले दिन ट्रेन का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा, पार्लियामेंट का भी उद्घाटन मैं ही करूँगा, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इस प्रधानमंत्री को इससे ऊपर उठना चाहिए। लोकतंत्र में सर, कल हमने जब उद्घाटन हो रहा था, एक तस्वीर और निकल के आई, 19 दलों ने बायकॉट किया, बहिष्कार किया उद्घाटन समारोह का। प्रश्न सर मेरा ये है आपसे कि आप लंबे समय तक सियासी दौर से गुजरे, 4.5 दशक एक लंबा दौर दिया, कई दल देखे, कई दलों की राजनीति देखी, पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। मेरा सवाल ये है सर कि लोकतंत्र एक समावेशी संरचना है, जब विपक्ष इस तरीके से हर बात का बहिष्कार करेगा तो सर आम जनता का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कम होता चला नहीं जाएगा सर? कि अभी जैसे कोई भी नीति है, कोई पहलकदमी है, तो सरकार से चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है या बहिष्कार करके एक शॉर्टकट तरीका अपना लेना बेहतर? सरकार से कहा गया लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, बहिष्कार तो अंतिम कदम था। नेहरू बनने की कवायद है क्या सर पीएम मोदी की? नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। जैसे सेंगोल की स्थापना की सर, सेंगोल उस समय जैसे लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच की बातचीत को अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको कागजी हस्तांतरण चाहिए सत्ता का या प्रतीकात्मक भी चाहिए, तो सेंगोल उस चीज़ का प्रतीक था कि आपका सत्ता हस्तांतरण एक प्रतीकात्मक रूप से हो। लेकिन आज लोकसभा में हम सेंगोल की स्थापना देखते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र की याद आती रहेगी, लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ेगा। सर अभी तो देखना है कितनी याद आती रहेगी उनको, अभी तो वो बच्चियाँ हैं, उनके मुकदमे ख़त्म कराएं, उनका मसला हल करें, तब हम मानेंगे कि सेंगोल का कुछ असर हुआ है। आपने सर एक टाइम पे आपातकाल भी देखा, आपातकाल में, आपातकाल के बाद सर एक विपक्षी एकता देखने को मिली, 12 से 13 दल एक साथ आए और आप उस पार्टी से जुड़े भी रहे। मेरा सर सवाल है, 2024 अगले साल चुनाव आने हैं, विपक्षी एकता की पहल फिर हो रही है, आहे बगाहे हो रही है, नीतीश कुमार बिहार से आके सूत्रधार बनने के कोशिश कर रहे हैं, सब एक साथ आ जाए। आप देखते हैं विपक्षी एकता 24 में परिकल्पना से हकीकत में तब्दील हो पाई? देखिए, उस तरह की एकता तो नहीं होगी कि सब पार्टियां अपने को डिसॉल्व करके एक पार्टी बना लें, लेकिन इतना लगभग तय हो गया है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा, वो काफ़ी है, वो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए काफ़ी है। अगर एक बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने ओपोजिशन का एक उम्मीदवार लड़े तो वो हार जाएंगे। लेकिन सर आम जनता यही समझना चाह रही है कि विरोधाभासी सोच,
और एक तरीके से लगा लीजिए आकांक्षाएं एक दूसरे से। अगर हम दिल्ली की बात करें सर, विपक्षी एकता अगर कहीं ना कहीं बनती है, पोस्ट पोल या प्री पोल अलायंस होते हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैसे आएंगे? अगर हम उसमें क्या है जो वीपी सिंह ने किया था कि आप अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छांट लें, यहाँ इसका असर है, यहाँ इसका असर है, रोज को छोड़ दें लड़ने के लिए। तो सर जैसे हम अगर बात करें कांग्रेस की, राष्ट्रीय दल है, सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है, लेकिन लगभग 285 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा नहीं लेकिन विपक्षी पार्टी है। जैसे हम बात करें तो बंगाल है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, लगभग 285 सीटों का गणित ऐसा है। तो कांग्रेस को क्या बड़ा दिल दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो बड़ा दिल दिखाएंगे तो अल्टीमेट कामयाबी उन्हीं की होगी। एक कोई संदेश अगर कांग्रेस के आला कमान हाई कमान को आप देना चाहें कि किस रूप में आप सबको एक साथ एक छतरी? देखिए मैं तो कोई संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बड़े हैं, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए और उन्हीं की लीडरशिप में ये एकता हो जानी चाहिए। सर अभी जैसे आपने पीछे एक इंटरव्यू में साक्षात्कार में पुलवामा अटैक की बात की, अभी हमने कर्नाटक का चुनाव भी देखा, तो एक कथित रूप से जो आरोप लगा और आपने बताया कि किस तरीके से आपकी बातों को दरकिनार करके जवानों को, देश के जवानों को बाय रोड भेजा गया, आपको क्या लगता है सर कि मतलब किस तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक शक्ति ने जकड़ लिया है कि एक बात जो पूर्व गवर्नर करते हैं और उस बात को आम जनता तक पहुँचने नहीं दिया जाता? उसी दिन सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला के धमका दिया गया था कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए, तो आप लोगों के चैनल हैं, इनसे मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल पूरा मीडिया को एक तरह से टेररिज करके रखा हुआ है और बात नीचे तक जा नहीं रही। हम तो पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप लोगों के जरिए बोल रहे हैं तो बात पहुँच रही है। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पर रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। सर आपको लगता नहीं है लगभग 4.5 दशक आप सत्ता में रहे, एक इतना लंबा सियासी सफ़र और हासिल ये कि एक समाज कारण के मुद्दों को उठाने वाले नेता को यूं हाशिए पर धकेल देना? हमने नेहरू का भी दौर देखा, वाजपेयी साहब का भी दौर देखा, नेहरू जी ने भी अपने से कमतर लोगों को जो पार्टी और नंबर्स में कम थे उनको आगे रखा, वाजपेयी साहब ने भी बड़ा दिल दिखा के सबको सुना सबको कहा। राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, किस ओर बढ़ रही हैं सर? अब ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं, वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अगर 24 में हम लोग तब्दीली नहीं कर पाए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो विकल्प कौन? विकल्प जनता चुनती है, कोई तय नहीं करता है। जो लोग MP चुन के आएंगे उनमें से 1977 में कौन विकल्प था? कोई तय हुआ था पहले से, बाद में चुन लिया। सर आप 1977 का जिक्र करते हैं, उस समय प्रणेता के रूप में JP थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे, सर वो एक दूसरे को जोड़ पाए, जोड़ सकते थे, अब भी जोड़ सकते हैं, हम ही जोड़ देंगे और छोड़िए आप औरों की बात, सबको जोड़ेंगे। मेरी सबसे बात हुई है, सब तैयार हो गए हैं 1-on-1 लड़ाने में। कल को सर हमें एक 2024 में एक व्यापक चित्र देखने को मिल सकता है कि मलिक साहब पूरे विपक्ष के सूत्रधार बनकर दर दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा, बजरंग दल से बजरंग बली बन के आया, कर्नाटक में आपको लगता है कि लोगों ने ये बता दिया या ये संदेश दे दिया कि आप धर्म की बात मत कीजिए नहीं तो हम युग धर्म और राजधर्म आपको बता दें? वो तो सही है, जो मैसेज है वो चला गया है। और देखिए आप, दिल्ली से 3 ट्रक फूल गए थे जो बरसाए गए थे प्राइम मिनिस्टर पे, जो प्राइम मिनिस्टर का अहंकार था कि मैं जाऊंगा और दुनिया को बदल दूंगा, वो धरा का धरा रह गया। एक सर राजनीतिक पार्टियां मैं वापस से आना चाहूंगा, आपका जब दौर था चौधरी चरण सिंह का दौर
वीपी सिंह, मुरारजी देसाई या जेपी, वहाँ पर सर पार्टी के भीतर चर्चा होती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, जो हमें व्यापक चित्र दिखता है, राहुल गांधी, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो एक गांधी परिवार है, आप में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल है, तेलंगाना में केसीआर में देखा जाए तो केसीआर हैं, के चंद्रशेखर राव हैं बीआरएस पार्टी के, और अगर बीजेपी में आ जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिखती है। तो क्या सर राजनीति के लिए या अमृतकाल में लोकतंत्र के लिए ये खतरा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति केंद्रित होती जा रही हैं? वो तो है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों के, वो पार्टियों में अंदर बहस होने लगी है। अमृतकाल में सर आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि लोकतंत्र में समाज और समाज, न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीति किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और किस तरीके से मजबूत हो? मेरा संदेश यही रहेगा, फिलहाल तो जो दिल्ली में सरकार है, इकट्ठा होकर इसको हटा देना चाहिए, बस। बहुत धन्यवाद साहब हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये हमारे साथ सत्यपाल मलिक साहब थे, हर चीज़ पे अपनी राय दे और कहा कि विपक्षी एकता परिकल्पना से हाथों में बदल सकता है। कैमरा मैन सुमित के साथ मैं राकेश कुमार सिंह, नेक्स्ट टाइम उसके लिए बढ़ा देगा।